नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लिसरीन में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर चेहरे पर लगाने से आपके दाग धब्बे और पिंपल्स हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपके चेहरे को चमकदार और सुंदर त्वचा प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले खाली कटोरी चाहिए, फिर दोस्तों हम इसमें लेंगे ग्लिसरीन जो कि आप मेरे पास ये देख रहे हैं। ये दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप जो है आधा चम्मच के बराबर ग्लिसरीन ले लें। दोस्तों ग्लिसरीन में कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को और मुहासों को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करता है। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पर एलोवेरा जेल जो कि आप देख रहे हैं। आप जो है आधा चम्मच के बराबर ही एलोवेरा जेल ले लें और इसमें डाल लें। दोस्तों इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एलोवेरा जेल दोस्तों आपके चेहरे को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सहायक माना जाता है। दोस्तों इस प्रकार से लेने के बाद हमें यहाँ पर चाहिए एक विटामिन ई का कैप्सूल जो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक फायदा पहुँचाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर विटामिन ई कैप्सूल आपकी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो इसमें हम एक विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे। दोस्तों इसे लेकर हम इस प्रकार से नाखून से काट लेंगे। दोस्तों इसे काटने के बाद में हम ग्लिसरीन इस मिश्रण के अंदर इसका जेल डालेंगे। दोस्तों इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये आपस में मिल जाए। दोस्तों ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। आपको यहाँ पर चाहिए कॉटन। दोस्तों इसे लेकर आप जो इसके अंदर ऐसे डिप करें, फिर आप अपने चेहरे पर इस प्रकार से इसे अप्लाई करें। दोस्तों इस प्रकार से इसे लगाकर आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आधे घंटे बाद आप सादा ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। दोस्तों इस नुस्खे को करने से आप देखोगे आपका चेहरा एकदम से साफ सुथरा और चमकदार दिखने लगेगा। दोस्तों आप इस नुस्खे को कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए फिर लाता हूँ अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।